अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आटा गूंदने का तरीका बताऊंगी, जिसके लिए मैंने लिया है नीम गर्म पानी, हल्का हल्का गर्म। अब मैं इसमें आटा डालूंगी। पहले मैं आटे को छानूंगी अच्छी तरह से। आटे में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला हुआ है, क्योंकि बाज़ औक़ात इसमें टिड्डियाँ पड़ जाती हैं। कड़ी पत्ता डालने से आटा ख़राब नहीं होता, ना ही टिड्डी पड़ती है। आटे को हमने छान लिया है, अब हम इसी तरह इसमें गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी भी साथ साथ डालते जाएंगे। इसमें हल्का हल्का पानी भी ऐड किया, मैं इसको साथ साथ गूंदती रहूँगी। अब हमने तकरीबन सारा आटा इकट्ठा कर लिया। अब हम इसी तरह इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। इसी तरह हम 5 मिनट तक इसको गूंदते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी भी लगाते जाएंगे। आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल या घी भी डाल सकते हैं, ताकि हमारी रोटी नरम बन सके। क्योंकि मेरा ये देसी आटा है, इसलिए मैं इसमें ऑयल बहुत कम डालती हूँ। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी हसबे जायका, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। नमक को हम थोड़ी देर के लिए मैश करेंगे, ताकि आटा हमारा देखें गूंद चुका है। अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का पानी लगा देंगे, पर इसी तरह हम इसको थोड़ा थोड़ा फैला देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा गूंदा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।